हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे ऑनलाइन चैनल आदित्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस नालंदा द नॉलेज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ था जीएस का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने आज देने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी इस टेस्ट में ऑफलाइन हिस्सा लिया था उनके लिए भी सॉल्यूशन है, और जो इस टेस्ट में नहीं आ पाए क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो कई बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जितने हमारे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस टेस्ट को एक बार जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं उसको देखें, और हम एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, आंसर भी बताएंगे इसके साथ एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपकी चीज़ें समझ में आएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने दर्रे पूछे थे कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो इसमें सबसे पहला जो आपसे पूछा गया था शिपकिला दर्रा कौन से राज्य में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला पूछा गया था बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रे की खास बात यह है, ध्यान रखिएगा बनिहाल दर्रे के बारे में, बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू को आपस में जोड़ता है, श्रीनगर और जम्मू को आपस में जोड़ता है। और इसी दर्रे में एक सुरंग बनी हुई है, नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग ये मैंने आपको क्लास में लिखाई भी है, जवाहर सुरंग जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है और ये जम्मू तथा श्रीनगर को आपस में जोड़ती है। ये रेलवे सुरंग है, इसको ध्यान रखना है, जवाहर रेलवे सुरंग है ये। तीसरी आपसे पूछा गया था, तीसरा है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा म्यांमार में है, दीफू दर्रा म्यांमार और भारत को जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगला आपसे पूछा गया था बोमडिला, बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगला दर्रा था जेलेप्ला और फिर माना। तो जेलेप्ला दर्रा, जेलेप्ला ये सिक्किम में है और माना दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। और हमने जब उत्तराखंड के दर्रे पढ़े थे तो उसमें माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये बहुत फेमस दर्रों में से। फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद है, बौद्ध संगतियां आपसे पूछी गई हैं और उनके स्थान पूछे गए हैं। केवल स्थान पूछे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा क्वेश्चन। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ और चौथी कहाँ। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में। तो एक बार हम डिटेल में इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बौद्ध संगतियां तो देखिए पहली बौद्ध संगति, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कब हुई थी, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में। कहां हुई थी? राजगृह में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इसको संरक्षण दिया था अजात शत्रु ने। ये इसका हर्यक वंश का शासक है, ये इसके पिता का नाम बिंबिसार था और इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आती है दूसरी बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद हुई, और ये बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। इसकी अध्यक्षता की थी सवाकामी ने और ये हुई थी कालाशोक के समय, इस समय शासक था कालाशोक और ये शिशुनाग वंश का शासक है। तो पहली बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई है? तो अजातशत्रु। तो एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है कि भगवान बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को किस शासक के समय महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु किस शासक के समय हुई? तो जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। फिर आता है तीसरी बौद्ध संगति, तो तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी और ये बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। कहां पर? पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्य ने और इसका जो संरक्षक था वो था अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, सम्राट अशोक, इनका संबंध मौर्य वंश से, मौर्य वंश। फिर आती है चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पहली शताब्दी ईस्वी में, यानी 102 ईस्वी, ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व नहीं रहेगा, इसमें रहेगा ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में, बिहार से बाहर होने वाली पहली बौद्ध संगति यही थी, चौथी, कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन।
इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इसमें उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था अश्वघोष ने। और ये पहली ऐसी बौद्ध संगति है जिसमें हमें उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। वो उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष की आप रचनाएं कुछ याद रखना, जैसे अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बुद्धचरित, एक पुस्तक का नाम सौंदरानंद, एक पुस्तक का नाम सारिपुत्र प्रकरण और एक पुस्तक का नाम सूत्रालंकार। ये चारों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष के द्वारा। और वसुमित्र ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था महाविभाष्य शास्त्र। अगला है, किस शासक ने इसको संरक्षण प्रदान किया? तो इसको संरक्षण कनिष्क ने प्रदान किया और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का? कुषाण वंश का शासक ये कनिष्क है। तो ये चारों बौद्ध संगतियां कब हुई हैं, कहां हुई हैं, अध्यक्षता किसने की है और इसको संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया, ये हमारा कंप्लीट यहां पर हो गया। जबकि हमारे क्वेश्चन में केवल हमसे चारों बौद्ध संगतियों के स्थान पूछे गए थे, यानी केवल हमसे ये वाला हिस्सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस शासक के समय प्राप्त हुआ? इसका आंसर मैंने अभी आपको यहीं पर दे दिया। तो जिस समय महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उस समय शासक था अजातशत्रु। महापरिनिर्वाण, बुद्ध को महापरिनिर्वाण के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। इसको आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को महिला तीर्थंकर माना जाता है? तो जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको महिला तीर्थंकर जो मानते हैं जैन धर्म में, वो श्वेतांबर हैं। श्वेतांबर जैन, जो श्वेतांबर जैन है वो मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर मानते हैं, जबकि जो दिगंबर जैन है वो इनको पुरुष ही मानते हैं, वो महिला नहीं मानते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब सवाल एग्जाम में आता है तो यही आता है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को महिला तीर्थंकर माना जाता है, तो उसका आंसर होगा 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का जो चिन्ह है वो है कलश। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या है? कलश। हर एक तीर्थंकर को उनके किसी चिन्ह से दर्शाया गया, तो उसमें जो मल्लीनाथ हैं उन्हें एक महिला माना गया है और उनका चिन्ह कलश दर्शाया गया है और वो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। पर एक बार मैंने पिछली बार इसमें क्वेश्चन दिया है टेस्ट में कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, ये इसका अर्थ है। इसको भी आपको ध्यान रखना, यही सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से हमने पूछा था। आपको कमेंट में बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? धान की भूसी के साक्ष्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस भारतीय मुद्रा पर बनी हुई हैं? किस भारतीय मुद्रा पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं? तो देखिए, इसका मैंने आपको पूरा लिखाया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे हमारे यहां जो नई करेंसी आई है उसमें 10 रुपए का नोट है, 20 का, 50, 100, 200, 500 और 2000। तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का मंदिर बना हुआ है, कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का। दूसरा, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी बनी हुई है, रानी की वाव, ये गुजरात में है रानी की वाव। इसके बाद सांची का स्तूप 200 के नोट पर, सांची का स्तूप 500 के नोट पर बना हुआ है, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, लाल किला दिल्ली में भी है, लाल किला आगरा में भी है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो दिल्ली का लाल किला 500 के नोट पर, और 2000 के नोट पर बना हुआ है मंगलयान। तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है, ठीक। आपको जब एग्जाम में आएंगे तो ये लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर नोट पे गांधी का चित्र तो बना ही हुआ है। गांधी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कोणार्क, एलोरा, हम्पी का रथ। हमारा सवाल इस टेस्ट में पूछा हुआ है कि एलोरा की गुफाएं किस भारतीय मुद्रा नोट पर बनी हुई है? तो देखिए, एलोरा की गुफाएं कहां बनी है? 20 के नोट पर। तो ये 20 के नोट पर बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग बताए थे, वो अष्टांगिक मार्ग कौन से थे आपको फिर रिवाइज भी करने हैं। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है सम्यक कर्मांत,
तो ये शामिल है, अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। सम्यक दर्शन ये अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सम्यक संकल्प, फिर चौथा है सम्यक वाणी। ये दोनों ऑप्शन है इसके, यानी सम्यक दर्शन वाला जो यहाँ पर है वो गलत हो जाएगा। सम्यक दर्शन अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, जबकि सम्यक दर्शन किसका हिस्सा है? जैन त्रिरत्न का। जैन त्रिरत्न, जैन त्रिरत्न में तीन चीजें शामिल है, देखिए, एक सम्यक दर्शन हो गया, इसके ऊपर है सम्यक ज्ञान, और नंबर तीन पर है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जैन त्रिरत्न का हिस्सा है, और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी सुन सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, तो मैं कंप्लीट चीजें लिखूंगा नहीं। अगला, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर एक ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है, तो म्यांमार भारत को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि भारत म्यांमार की बात करें तो देखिए यहाँ पर होगा भारत म्यांमार का क्षेत्र। आप भारत का एक मैप बनाइए, तो देखिए भारत म्यांमार की बात हो रही, तो म्यांमार का क्षेत्र तो ये वाला है, तो कोई दर्रा यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे है दीफू दर्रा, तुजू दर्रा, इस तरह के दर्रे, तो यहाँ ऑप्शन चेक करने हैं, तो बनिहाल दर्रा तो यहाँ पर है, तो ये नहीं जोड़ पाएगा। दूसरा दे रखा है पालघाट, पालघाट तो दर्रा यहाँ पर है, ये वाला जो मुंबई नासिक को जोड़ता है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है दीफू दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा तो लद्दाख में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन बचा? दीफू, तो आंसर क्या होगा? दीफू दर्रा। इसका आंसर दीफू भी हो सकता है, इसका आंसर तुजू भी हो सकता है, लेकिन तुजू ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3.0 द्वारा, यानी चंद्रयान 3 जो अभी भेजा गया, चांद के सतह पर उतारे गए विक्रम लैंडर से चांद की सतह पर खोजबीन हेतु उतारे गए रोवर का क्या नाम है? आपको अच्छे से पता है जब चंद्रयान को भेजा गया तो चंद्रयान के साथ दो चीजें हैं, एक है उसका लैंडर जो चंद्रमा की जमीन पर उतरेगा, और एक उस लैंडर के अंदर रखी हुई गाड़ी है, रोवर जिसको कहा जाता है, खोजबीन करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उसको भेजा गया, और उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रज्ञान। कई लोगों ने इसका आंसर आदित्य लगा दिया, जबकि आदित्य सूर्य मिशन का नाम है, जो हमने पिछले टेस्ट में पूछा था, सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जबकि यहां पर आंसर प्रज्ञान होगा। तो चंद्रयान जो था, चंद्रयान 3.0 में एक लैंडर था, और इस लैंडर के अंदर एक रोवर था, इसी लैंडर के अंदर एक रोवर था, वो गाड़ी जो छोटी सी बाहर निकली थी, तो इस लैंडर का नाम है विक्रम। अच्छा ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 2.0 जब चंद्रयान 2 भेजा गया था उसमें भी यही दोनों थे, लेकिन वो लैंड नहीं हो पाया सफलता पूर्वक, क्रैश कर गया, तो वो नहीं उतारे जा सके। तो विक्रम लैंडर का नाम है विक्रम, जो उतरा सतह पर, और उसमें से जो गाड़ी बाहर निकली खोजबीन करने के लिए, उसका नाम है प्रज्ञान, तो वो है प्रज्ञान। ठीक, तो इसका आंसर प्रज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगति किस शासक के संरक्षण में हुई? अभी मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, तो दूसरी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? कालाशोक, शासक का नाम कालाशोक। अगला क्वेश्चन, म्यांमार से सीमा कौन सा राज्य नहीं लगाता है? तो म्यांमार से सीमा कौन से राज्य लगाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो म्यांमार से सीमा लगाने वाले राज्य एक बार देखिए, ये हम भारत का क्षेत्र बना देते हैं इधर, तो हमें पता होना चाहिए म्यांमार किधर है। जब भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस तरह के आप करें तो अपना मैप अपने साथ रखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए म्यांमार से सीमा कौन कौन लगा रहा है। म्यांमार से सीमा एक लगाता है अरुणाचल प्रदेश, यहां मैं लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। दूसरा सीमा लगाता है इसके बाद नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद नीचे मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश सीमा लगा रहा है नागालैंड से, नागालैंड लगा रहा है, मणिपुर लगा रहा है, और मिजोरम लगा रहा है, तो ये चार राज्य लगा रहे हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, हाँ वो सीमा लगाता है, ये नहीं लगाने वाली पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है असम, तो बताइए क्या असम सीमा लगा रहा है? तो असम नहीं लगा रहा, असम तो यहाँ अंदर है, तो असम सीमा नहीं लगाता, तो यही आंसर होगा। और अगला ऑप्शन मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम मणिपुर सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से चार बड़े राज्य हैं वो आपको याद ही रखने हैं। वैसे भी सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार चार बड़े राज्यों के नाम अगर हम लिखें, हमारा यूपी चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान।
दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। और यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी अगर जो कर रहे हैं, यूपी पैट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखें उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है भारत का। और भारत के क्षेत्रफल की तुलना में यूपी का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 7.33%, इसको भी याद रखना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से सीमा नहीं बनाता? तो पहले तो भारत से कौन सा राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं? तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं? देखिए यहां पर ही मैं आपको 9 राज्य दिखाता हूं। सबसे पहला है गुजरात, एक नंबर पर, ये गुजरात हो गया। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और पांचवा है केरल, पांचवा केरल, ये 5 हो गए। फिर इसके बाद छठा राज्य है तमिलनाडु, 7वां है आंध्र प्रदेश, 8वां है ओडिशा और 9वां है पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हो गए। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं लगाता सीमा, कौन सा राज्य? तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात। तो बताइए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात। छत्तीसगढ़ कहीं आया नहीं, छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ समुद्र तट से सीमा नहीं लगाता, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार, इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार है। अग्नि का उल्लेख 200 बार है। इस तरह मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखाए थे, मैं एक बार आपको बता देता हूं वो कौन कौन से हैं। जैसे पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लिख लें। जैसे ऋग्वेद में पिता शब्द है, पिता शब्द 335 बार आया है, माता शब्द 234 बार, इसके अलावा घोड़ा शब्द 215 बार, गाय शब्द का उल्लेख 176 बार, विश शब्द, विश का मतलब होता है जिला, शब्द का प्रयोग 170 बार। तीन शब्द और याद रखिएगा, सभा, समिति और विदत, इन तीनों शब्दों का प्रयोग याद रखना, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार। इसके अलावा और हैं, जैसे आप लिख सकते हो राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार, ब्राह्मण शब्द का उल्लेख 15 बार, राजा शब्द का उल्लेख 1 बार, पृथ्वी का 1 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। तो इस तरह से कई सारे शब्द हैं जो ऋग्वेद में प्रयोग हुए, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं। जैसे एक शब्द और है जन, जन शब्द का प्रयोग 275 बार और जनपद शब्द का प्रयोग केवल 1 बार, इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार, अग्नि का 200 बार, इन चीजों को याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूषण देवता है वर्षा का देवता, पशुओं का देवता, जल का देवता, आकाश का देवता। तो पूषण पशुओं का देवता है, पूषण ऐसे लिखा जाएगा, पूषण पशुओं का देवता है, पूषण पशुओं का, और इस पशुओं के देवता की सवारी है बकरा। पूषण देवता की सवारी क्या है? बकरा। इसके अलावा इसमें दिया आकाश का देवता कौन है, तो आकाश के देवता का नाम है ध्यो, ध्यो होता है आकाश का देवता। इसके अलावा और कुछ दिया है इसमें, और है जल का देवता वरुण, जल का देवता होता है, वर्षा का देवता इंद्र होता है, ठीक। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला, वो हो गया इंद्र। अगला क्वेश्चन, यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है? तो यम और नचिकेता का संवाद जो है वो कठोपनिषद में मिलता है, एक उपनिषद है इसका नाम है कठ उपनिषद, कठ, इसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। एम यम और नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद कौन से में मिलता है? तो ये कठ उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है और मान्यता प्राप्त उपनिषद, यानी ऐसे उपनिषद जिनका संबंध किसी वेद से है, चारों में से किसी वेद से, वो केवल 13 है। और 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पर शंकराचार्य ने अपनी टीका लिखी है। शंकराचार्य के बारे में जान लीजिए, शंकराचार्य 9वीं शताब्दी के एक बहुत महान संत रहे और शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की है। जैसे मैं आपको मठ बता देता हूं कौन कौन से हैं, ये देखिए भारत का ही है मैप, यहां पर देखिएगा, मैं फिर से एक शो बनाता हूं एक बार,
देखिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार मठ कौन से हैं, एग्जाम में कई बार सवाल आए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ, दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने जिस मठ की स्थापना की उसका नाम है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ की स्थापना दक्षिण भारत में की गई है शंकराचार्य के द्वारा। फिर पूर्व दिशा में ओडिशा में स्थापना की है शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की, उसका नाम है गोवर्धन मठ, ओडिशा में है, पुरी में पड़ता है, और यह रामेश्वरम में है श्रृंगेरी मठ। तीसरा है ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना की शंकराचार्य ने, ज्योतिर्मठ, और पश्चिम में स्थापना की है शारदा मठ की, और शारदा मठ गुजरात के द्वारिका में है शारदा मठ। तो भारत के चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने। आदिगुरु शंकराचार्य की मृत्यु यानी उनको मोक्ष जो प्राप्त हुआ वो केदारनाथ में प्राप्त हुआ, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ के मंदिर में ही इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है आदिगुरु शंकराचार्य की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, इसी तरह मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है, और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है, और सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण किसे माना गया है, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये रहा, इसका नाम है लक्षद्वीप, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सवाल यह है भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, कितनी 8, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया जाएगा तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया जाएगा तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा और लद्दाख सबसे बड़ा, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, पाषाणकालीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं वो स्थल महाराष्ट्र में पड़ता है, और उसका नाम है पटने। पटने नाम का जो पाषाणकालीन स्थल है वो महाराष्ट्र में मिला है, और यहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये सवाल भी पिछली बार भी एक बार आया था ये क्वेश्चन टेस्ट में, और ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के तीन भागों के नाम। अभी हाल ही में मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ा के कंप्लीट किया है, तो त्रिपिटक के नाम पूछ रहा है, तो त्रिपिटक तीन है, त्रि माने तीन, पिटक माने पोटली। तो बौद्ध धर्म में तीन ग्रंथों को मिलाकर एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम रखा गया त्रिपिटक। इसका पहला हिस्सा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसका पहला हिस्सा है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक का जो संकलन था वो आनंद ने किया था, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, और उन्होंने ही सुत्त पिटक का संकलन किया। दूसरा जो हिस्सा है त्रिपिटक का वो है विनय पिटक, और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था जो कि बुद्ध के शिष्य थे, और उपाली का संबंध नाई जाति से था। उन्होंने किसको बनाया है, तो ध्यान रखिएगा विनय पिटक। दूसरी कौन सा है, विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरी जो पिटक है, तीसरी जो पुस्तक, उसको कहते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसका संकलन किया था मोगली पुत्र शिष्य ने, इसका संकलन मोगली पुत्र शिष्य के द्वारा किया गया। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो पहले सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। इसका संकलन आनंद ने किया था सुत्त पिटक का, विनय पिटक का उपाली ने किया था, अभिधम्म पिटक का मोगली पुत्र शिष्य ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, महाभारत को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था। देखिएगा जब हमने महाभारत पढ़ी तो हमने देखा महाभारत में प्रारंभ में, महाभारत, महाभारत में जो पुस्तक है महाभारत, महाकाव्य है, धार्मिक महाकाव्य हमारा हिंदू धर्म का, तो इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक हुआ करते थे। कितने, प्रारंभ में 8800 श्लोक, और जिस समय इसमें 8800 श्लोक थे उस समय इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, जय संहिता, और यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। महाभारत को प्रारंभ में 8800 श्लोक जब इसमें थे, 8800 श्लोक जब थे तो इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में श्लोकों की संख्या 100,000 से भी ऊपर है, तो लगभग 100,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। तो महाभारत का एक और नाम है, वो नाम है यहां लिख देता हूं, शत माने 100 और सहस्त्र माने 1000, यानी 100,000 शत सहस्त्री संहिता। वर्तमान में श्लोकों की संख्या 100,000 से ज्यादा है। महाभारत में 18 पर्व है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, जैन आचार्य जिनसेन किस शासक के दरबार में विद्वान थे। तो एक जैन आचार्य हुए, बड़े प्रसिद्ध नाम है जैन आचार्य का, जिनसेन, जिनसेन। तो सवाल ये पूछा है किस राजा के दरबार में थे, तो राजा का नाम है अमोघवर्ष,
और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक है। कौन से वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। और राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक है अमोघ वर्ष। इसको राष्ट्रकूट वंश में इसकी तुलना, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष की तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की गई है। अमोघ वर्ष बहुत महान शासक हुआ राष्ट्रकूट वंश का, और इसी के दरबारी कवि थे जिनका नाम था, या दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य जिनसेन। तो ये सवाल हमने टेस्ट में पूछे थे, ये 22 क्वेश्चन लगभग हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं। कल आपको क्लास में आपकी कॉपियां दे दी जाएंगी, कॉपीज लगभग चेक हो चुकी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।